दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमरजीत और आज हम जानेंगे कि पाइथन इतना बूमिंग लैंग्वेज क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से पाइथन इतना इंपॉर्टेंट है और पाइथन हर जगह एक डिमांडिंग प्लेटफॉर्म है हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अगर आप कोडिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, जिससे आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, एप्लीकेशंस बना सकते हो और भी बहुत सारे चीजों को, मल्टीपल चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रह के कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते वीडियो की ओर और शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आप पाइथन बेहतरीन तरीके से सीख सकें। सबसे पहला रीजन है कि पाइथन इतना बूमिंग क्यों है, क्योंकि पाइथन जो है वो बहुत ही इजी टू यूज है और इसके लैंग्वेज बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एग्जांपल, कि अगर आप सी या सी प्लस प्लस या जावा पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम जैसे प्रिंट करना है आपको हेलो वर्ल्ड, तो आपको पता ही होगा प्रिंट ऑप्शन क्यों होता है, आउटपुट फंक्शन के लिए यूज होता है पाइथन में। अगर प्रिंट करना है आपको सी प्लस प्लस और जावा में तो आपको इतने बड़े लाइंस ऑफ कोड्स लिखने पड़ते हैं, 5-6 लाइंस के कोड लिखने पड़ते हैं, लेकिन पाइथन में आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन प्रिंट और ब्रैकेट में स्टार्ट कीजिएगा, स्ट्रिंग डबल कोट्स लगाइएगा, उसमें लिखिएगा हेलो वर्ल्ड और वो डायरेक्टली आपको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह पाइथन, मतलब अदर लैंग्वेज में जो बहुत लेंदी कोड है वो बहुत इजीली आप इसमें एक लाइन में लिख सकते हो, इसलिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दूसरा जो रीजन है वो इसलिए है क्योंकि पाइथन बहुत ज्यादा टाइम को सेव करता है। अगर सपोज आपको कोई काम दिया गया कंपनीज में कि आपको एक काम करना है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग अदर प्रोग्रामिंग को यूज करते हो तो कम से कम वो 3 महीने लगते हैं, लेकिन वही आप पाइथन के मदद से करते हो तो 1 महीने लगते हैं। तो इसीलिए पाइथन एक बहुत बूमिंग लैंग्वेज है इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देता है। वही सेम काम कम टाइम में आप कर सकते हो, जहां आपको 3 महीने का समय लगा वहां आप 1 महीने में वही सेम काम कर सकते हो, इसलिए पाइथन इंपॉर्टेंट है। उसके तीसरा जो बड़ा फीचर पाइथन का है कि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज है, जिस लाइब्रेरीज को आप इनबिल्ट कर सकते हो, मतलब अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज कर सकते हो और बहुत सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग दिस लाइब्रेरी। पाइथन के पास बहुत सारे लाइब्रेरीज है जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम इजी वे में कर सकते हो। ये था हमारा तीसरा रीजन जिसकी वजह से पाइथन आज बूमिंग में है। उसके जो चौथा रीजन है वो है इसका सपोर्ट। पाइथन के कम्युनिटी सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि पाइथन ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है आपको, कम्युनिटी सपोर्ट। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है पाइथन से रिलेटेड तो आप सिर्फ आपको आपका सवाल, आपको जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक कम्युनिटी में पोस्ट करना है, उसके आपको जिसे वो आंसर पता होंगे वो आपको आंसर दे देगा या फिर पाइथन की कम्युनिटी खुद ब खुद आपको उसका आंसर बताएगी कि किस तरह से आप अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये था चौथा पॉइंट जो कि है कम्युनिटी सपोर्ट। उसके पांचवा जो पॉइंट है वो है इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे जावा है उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आप ये नहीं बोल सकते कि पाइथन बहुत ज्यादा फास्ट है जावा से, लेकिन जावा से फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी है कि कोई भी फंक्शनैलिटी, आप दूसरे प्रोग्रामिंग का फंक्शनैलिटी इस पाइथन में यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये बहुत अच्छा फीचर है पाइथन में। तो ये सारे फीचर्स की वजह से पाइथन आज बूमिंग है और पाइथन हर जगह डिमांडिंग है। पहला चीज है इजी टू यूज, दूसरा चीज है ये आपके टाइम को सेव करता है, इजी कोड्स है, छोटे से कोड से मल्टीपल लाइन कोड्स को एक लाइन में, सिंगल लाइन में पाइथन में आप लिख सकते हो। और उसके तीसरा चीज है इसमें लाइब्रेरीज बहुत अच्छा है, उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है, और साथ साथ जो आखिरी पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो हर जगह डिमांडिंग में है। और मल्टीपल टास्क, जैसे और भी बहुत सारे चीज है, AI के प्रोग्रामिंग हुए, एप्लीकेशन बनाना, वेब डेवलपमेंट, एक ही पाइथन के कोड से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ये थे कुछ फीचर्स जिसकी वजह से पाइथन आज ट्रेंडिंग लैंग्वेज में है, इसीलिए आपको पाइथन सीखना चाहिए और हर कंपनी की पाइथन डिमांड, इसलिए आप अगर सीखोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा। और आपने पाइथन के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे तो देखिए, मैं बेसिक से सिखा रहा हूं पाइथन, आप वीडियोस को लास्ट तक देखिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बिल्कुल पूछें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं कुछ और पाइथन के बारे में बताऊंगा।